खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां पूरे प्रदेश के साथ विदिशा जिले में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसी को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल रहे। आज की जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक थी कि जो चाइना से आने वाले हैं लोग, उनको मतलब इसमें वॉच में रखें। तो चूंकि जिले में तो ऐसा अभी तक कोई आया नहीं है, लेकिन यदि इस तरह के कुछ आएंगे तो हम लोगों को उसकी सूचना मिलेगी और उनको वो यदि सिम्टोमेटिक होंगे तो उनको आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे, जिसकी हमने एक वार्ड जो है जिला अस्पताल की चौथी मंजिल पर बना लिया गया है। उसमें सभी साधन रखे हुए हैं, जिसमें N95 की जरूरत पड़ेगी, मास्क होता हुआ है, PPE किट है, बाकी BTM उनके सैंपल लेने के लिए। तो ज़िले में मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोरोना वायरस के बारे में जितने भी वो हैं उस पर ज़्यादा वो ध्यान ना दें, रूमर्स पर ना जाएं। खबर भारत वर्ष के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।